बज रहे सुबह के 4:15 तो 15 या 20 ऐसा कुछ होगा. वेट 4:19 एंड टुडे इज 20 मई. लाइक 20 मई 2023 एंड आई एम स्टार्टिंग अ व्लॉग. एक्चुअली पिछले हफ्ते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग करूं, बिकॉज हमारा ऑफिस का जो मतलब फर्नीचर वगैरह इंटीरियर का काम हो रहा था वो बहुत एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा था. मुझे वहाँ पे हर रोज़ जाना हो रहा था, फिर बहुत से और भी काम होते हैं वो करके आई वॉज नॉट गेटिंग एनफ टाइम कि मैं शूट भी कर पाऊँ. एडिट तो दूर की बात है, मैं शूट भी कर पाऊँ. टुडे इज़ अ डिफरेंट ब्लॉग. दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मी लिविंग अलोन. मम्मी पापा गए हैं एक ट्रिप पे 10-12 दिन के लिए, एंड जब तक आप लोग ये ब्लॉग देखोगे तब तक वो ऑब्वियसली घर पे होंगे, दैट्स नॉट अ कंसर्न. बट ये 10-12 दिन मुझे फुल ऑन यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी कोई इंटीरियर का काम नहीं है. मुझे वो पूरा 24 आवर्स इज़ फॉर मी. तो मुझे अपने जो मैगज़ीन है उसके बारे में थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि वो पूरा पॉज में है. उसको मुझे रीस्टार्ट करना है सो दैट इट कैन गेट लाइक रेगुलराइज हो सके, एंड उस पर मुझे काम करना है. प्लस My whole house is a mess. Number वन, मेरे like office के साथ साथ ही मम्मी पापा के room में भी एक showcase plus जो पहने हुए कपड़े हैं ना, like जो आप एक बार में पहन के धोते नहीं हो, वो और 2-3 बार पहन के फिर धोओगे, तो वो तो साफ कपड़ों के साथ रख नहीं सकते. इसीलिए हमने एक what you can say अलमारी टाइप बनाया. अलमारी मैं बाद में दिखा दूँगी, अभी बिलीव में मेरे से उठा नहीं जा रहा. तो बोला जा रहा है बट उठा नहीं जा रहा, जस्ट बिकॉज आई गॉट माई पीरियड्स 4 आवर्स अगो. और फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे मेरा वर्स्ट रहता है, वर्स्ट. आई थॉट कि मैं रेस्ट करके फिर काम करूँगी, क्योंकि मेरा मम्मी पापा का रूम पूरा मैस है. मेरा रूम यू कैन सी, ये सारे गंदे कपड़े हैं, बाय द वे गंदे कपड़े. एंड आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन माई बेड टूडे. नीचे ये बिस्तर सा लगाया हुआ है, इसको हम लोग ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं बालापोश, और वो जो है वो है मादूर बोलते हैं, आई थिंक इसको हिंदी में चटाई बोलते हैं. एंड ये है हालत इस कमरे का. ये मम्मी पापा के कमरे में था, एंड ये सारे पापा के ब्रीफ्स हैं, एंड ये तो पापा का टेबल. सारे मैस है बिकॉज जो ऑफिस स्पेस है वहाँ पे पापा का ये सारा सामान चला जाएगा, मम्मी का भी काफ़ी सामान चला जाएगा, एंड दैट्स वाई. और ये जो बुक शेल्फ जो उस कमरे में था वो उस जगह पे अभी वो रैक बन गया, जो कपड़े रखने का शोकेस का मैंने बोला वो बन गया है. सो इट कैंट बी देयर राइट नाउ. मेरा रूम का फिलहाल थोड़ा सा ये जगह मैसी रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे बेडशीट चेंज करना है, मुझे ऐसे में साफ़ सफाई करनी है, बिकॉज मैं वेट कर रही थी, क्योंकि इतना दिनों से ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. और मैं हर महीने अपने कमरे का जो डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट वो जो जाले लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू पोछा करना, एंड सारे कैबिनेट के वो क्या बोलते हैं दरवाज़ों को क्लीन करना, दैट इज़ द थिंग आई डू एवरी मंथ. एटलीस्ट कोशिश करती हूँ हर 1-1.5 महीने में एक बार करने का, एंड पिछले 3 महीने से ये हुआ नहीं है. सो आई डिड इट लास्ट टाइम आफ्टर मुझे याद भी नहीं, आई थिंक फेब्रवरी में मैंने किया था. मैं ये कुछ दिन एवरी डे व्लॉग करना चाहती हूँ, लाइक 12 डेज दे आर नॉट हियर, 12 डेज आई वॉन्ट टू व्लॉग, एंड आई विल ट्राई टू पब्लिश इट रेगुलरली ऑफकोर्स. एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले कर लिया था, दैट इज़ मैंने सारे जो फुटेज है मैंने उसको सॉर्ट कर लिया है, जो कि मतलब कौन सा व्लॉग का कितना फुटेज है. तो मेरा टारगेट ये है, एक मेरा रूम को थोड़ा इंसान लायक बनाना, क्योंकि मेरा रूम को मुझे बहुत एकदम चकाचक नहीं कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी बहुत मेस है जो मैं हटा नहीं सकती. मेरा ये टारगेट है कि मैं फ्रिज को अच्छे से साफ करूँ, सो दैट जो सब्जियाँ आ रही है मैं अच्छे से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करूँ. मैंने आपको दिखाऊँ तो मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ा सुकून मिलता है, किस किस को ऑर्गेनाइज़ करने में अच्छा लगता है बोलो. साफ़ सफाई करके एकदम सुंदर सुंदर दिखे. मेरे पास वैसे डब्बे वगैरह भी है ऑर्गेनाइज़ करने का, तो वो सब चीज़ें भी दिखे तो वो अच्छा लगता है. दीज आर द प्लान. मैं पिछले 12 मिनट से बके जा रही हूँ. आई नो इट माइट बी बोरिंग फॉर यू, बट मैं कोशिश करूँगी जितना कट डाउन करने का, एंड दैट्स द प्लान फॉर टुडे. गुड मॉर्निंग वंस अगेन, इट्स ऑफिशियली मॉर्निंग नाउ, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15. एंड या 5:15 बजे हमारे यहाँ इतना रोशनी हो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ एक्चुअली सूरज उगता भी पहले है डूबता भी पहले, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है टू द लाइक वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट के कुछ हिस्से जो वेस्ट के साइड में है,
वो वहाँ पे शाम होती है लाइक 7 बजे, 7 बजे के बाद हमारे यहाँ तो अराउंड 6 बजे 6:15 बजे शाम हो जाती है, उसके बाद अंधेरा। एनीवे द थिंग आई वांट टू अपडेट यू विद इज मैंने एक वीडियो जो सबसे बड़ा वाला एक्चुअली मैं जनवरी में वो ट्रिप ली थी एंड उसका वीडियो मैंने अपलोड भी लगा दिया। इट विल टेक अबाउट 1.5 आवर क्योंकि मेरा फ़ोन का इंटरनेट से चल रहा है, आई डोंट हैव अ वाईफाई येट, लगवाना है एक्चुअली ऑफिस में वाईफाई लगवाना है, घर पे नहीं लगवाना है। तो उस जगह उसी लिए वी वर वेटिंग कि ऑफिस पे एक बार ही लगा देंगे। और अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, बीच में व्हाट आई डिड इज मैंने पूरे आज टुडे सैटरडे एंड नेक्स्ट अगले हफ्ते का संडे तक, मतलब संडे टू संडे 8 दिन, 9 दिन का, 9 दिन का मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है एंड बिकॉज वो दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू। और बीच बीच में अगर याद आता रहेगा कि नहीं ये भी करना है वो भी करना है, तो जिस दिन थोड़ा कम काम रखूँगी उस दिन मैं देख लूँगी क्या कर सकते हैं। फिलहाल आज के टू डू लिस्ट में बहुत काम है, बट द थिंग इज कुछ कुछ ऐसे भी काम है जो 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, तो इसीलिए वो मैं लाइक प्रॉपर बड़ा वाला काम थोड़ा थोड़ा ही है। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने के लिए ऐसा लिस्ट नहीं बनाया कि हाँ भाई तुम पगला हो जाओ, ऐसा तो है नहीं। बट अभी मैं ब्लॉग्स एडिट करने लगूंगी क्योंकि मुझे इतना सुबह खाना खाने की आदत नहीं। तो नाउ माई प्लान इज़ टू एडिट सम व्लॉग्स, क्योंकि अभी के जो व्लॉग्स हैं वो छोटे छोटे हैं, वो 1 घंटे 1.5 घंटे का फुटेज नहीं है, मैक्सिमम 20-25 मिनट का फुटेज है, उसको मैं लाऊंगी 10-12 मिनट में या जितना कम हो पाए। एक ब्लॉग तो मुझे पता है उस दिन का, मैंने वो चेक कर लिया था, वो 5 फुटेज ही है कुछ 5-6 मिनट का, तो वो आई थिंक मैं दूसरे कोई ब्लॉग के साथ क्लब करने वाली हूँ, लेट्स सी। तो अभी थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करते हैं। मैंने देखा है आई हैव 6 ब्लॉग्स एंड आई हैव सम अदर फुटेजेस जो मैं शायद डिलीट कर दूँ, जो एक्चुअली कुकिंग के हैं और मुझे वो फुटेजेस पसंद नहीं है तो मैं डिलीट कर दूँ। कभी कभी ना यही होता है कि फुटेज अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको मतलब ये तो मैंने कभी बताया नहीं, मैं इस चैनल पे भी पहले ब्यूटी वीडियोस डालती थी जो मैं कि बाद में फिर से करने का मन, अभी थोड़ा वजन घटा लूँ, नहीं तो पता नहीं। इट्स नॉट अबाउट इनसिक्योरिटी, इज जस्ट दैट आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल इन माई ओन आईज एंड आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, दैट इज़ माई मेन कंसर्न। और मैं चाहती हूँ कि इस सब के बीच में अगर मैं ब्यूटी वीडियोस बनाने लगी तो वो मेरे पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। एक बार थोड़ी कुछ चीज़ें एक बार एक ट्रैक पे ला लूँ, फिर मैं ब्यूटी वीडियोस पे फोकस करूँगी, दैट विल बी अ नेक्स्ट थिंग जो फिलहाल तो लिस्ट में है नहीं। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने एक बार एक वो मिमी में परम सुंदरी वाला गाने में जो कृति सानन का लुक था वो ऑलमोस्ट मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की थी एंड काफ़ी अच्छा लुक बना था। आई हैव अ फोटोग्राफ, मैं इंस्टाग्राम से चिपका दूंगी यहाँ पे। वो लुक मैंने कोशिश किया था, अनफॉर्चुनेटली उसका जो फुटेज आया था वीडियो का क्रिएशन का वो बहुत गंदा फुटेज आया, लाइटिंग का बड़ा इशू था उसमें। एक्चुअली मुझे अभी भी उतनी लाइटिंग की समझ नहीं है, बट उसमें तो पता नहीं भयानक अजीब सा इशू था, अजीब पूरा कलर समझ में नहीं आ रहा था, तो वो फुटेज मुझे पूरा डिस्कार्ड करना पड़ा एंड आई कुडंट अपलोड दैट वीडियो। नाउ आई एम गोना एडिट सम व्लॉग्स, 1-2 व्लॉग्स, मैं प्रेशर खुद पे नहीं डालना चाहती, थोड़े व्लॉग्स एडिट करूँगी, उसके बाद जब थोड़ा सा ऐसे शोर मचा सकूँ, वैसा टाइम हो लाइक 7 बज बज जाए, फिर मैं जाऊँगी घर के काम करने। पर अभी बज रहे 6 एंड मेरा 1 व्लॉग एडिट हो गया है, एडिट पूरी तरह नहीं हुआ, जो कट वगैरह लगाना होता है वो हो गया है। अभी मुझे वॉइस ओवर डालने हैं, अभी मुझे साउंड डालने हैं, वो सब चीज़ें करना है। इंट्रो आउट्रो मैंने लगा दिया है, इट जस्ट दैट मैं ब्लॉग को क्या वो क्या बोलते हैं कलर ग्रेडिंग मैं नहीं करती या कुछ भी कलर से रिलेटेड एडिट नहीं करती, तो वो आई थिंक मैं थोड़ी देर में करूँगी या फिर वो बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो शुरू में तो एडिट खुद ही करना होता है, मैं एक साथ में इतना एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी एंड अभी मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। वैसे भी वीडियो अपलोड होने में अभी 1 घंटा और दिखा रहा है, 1 घंटा नहीं 50 मिनट, तो वो अपलोड हो जाए उसके बाद प्रोसेसिंग वगैरह होने में भी टाइम लगेगा। ये वीडियो बड़ा है जो अपलोड हो रहा है ना, सुंदरबन वाला वीडियो, ये बड़ा है, तो ये सब अपलोड कर लूँ, और एक ब्लॉग है मेरे पास एडिटेड वो भी अपलोड कर लूँ, और फिर उठ के आई थिंक मैं जो अभी एडिट किया है उस वाले ब्लॉग को
मैं क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी, कंप्लीटली एडिट करूँगी. अभी आई डोंट नो इफ आई विल स्लीप और नॉट, आई विल कीप यू पोस्टेड. हाय गाइस, मैं दो राउंड एक्चुअली सो गई थी. एक बार सोई, फिर उठी, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर वापस सो गई. तो अभी फिर वापस उठी, अभी करीबन 12:30 हो रहे हैं. एंड या अभी थोड़ा रेस्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट डे है, दर्द तो हो रही है. बट आज अभी फ़िलहाल टारगेट है मेरे कमरे को बेसिक जो साफ़ सफाई होती है ना, जैसे टेबल्स में कप्स पड़े हैं, ग्लासेस पड़े हैं, मुझे बेडशीट चेंज करना है, फर्श थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाना है, वो सारी चीज़ें करती हूँ. वेट, टू डू लिस्ट में तो आज मैंने बहुत सारे काम डाले हैं दिन भर में, मिलजुल के देखते हैं कितना कर पाती हूँ. अभी बज रहे 12, तो वी हैव द लाइक आधा दिन अभी, जितना हो सके काम निपटा लेते हैं. लेट्स गो. हाय गाइस, अभी बज रहे शाम के 6 एंड मैं वापस ही सो गई, बिकॉज मेरे से उठा नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ द बैक पेन. बाकी तो सब ठीक है, बाकी ऐसा दिक्कत नहीं है, बट बैक पेन की वजह से उठा नहीं जा रहा था. आई स्लेप्ट ऑफ द होल डे. तो अभी थोड़ा आई एम फीलिंग बेटर, और अभी थोड़ी देर बाद में आई विल स्टार्ट डूइंग. आज कुछ नहीं, आज बस मेरे रूम को इंसान लायक बनाना है. कमरा थोड़ा लाइक काम चलाओ टाइप हो गया है. मेरा आज टारगेट ये नहीं था कि डीप क्लीन करूँ, बिकॉज आई न्यू मेरा डेट आ रहा था एंड आई हैड टू लाइक क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई. सो आई न्यू लाइक मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा फर्स्ट डे पे तो काम नहीं कर सकती. तो अभी आई हैव माय क्लीन बेड, इसका बेडशीट चेंज करना है पर अभी नहीं, यहाँ के बहुत सफाइयाँ होनी है तो वो करके फिर बेडशीट क्लीन करना, बेडशीट भी चेंज करना, वो आने वाले कुछ दिनों में होगा. आई हैव अ क्लीन चेयर, एक चेयर में सारे गंदे कपड़े मैंने रख दिए, वो धीरे धीरे करके धोऊंगी, एक साथ में तो होगा नहीं. और कुछ फर्श, जैसे एक्चुअली कहते हैं शाम को लाइक सूरज जलने का झाड़ू देना नहीं चाहिए, पापा मम्मी दोनों ही कहते हैं. एनीवे तो वो मानते हैं तो क्या हम बता देते हैं. और थोड़ी बहुत ऐसी ड्राई वेस्ट है, जैसे कुछ कार्टन्स हैं, कुछ चीज़ प्रोडक्ट के डब्बे हैं, जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं होता, वो सब चीज़ें वो आज फेंकना था. अगर दिन में मैं काम कर पाती तो आज वो हो जाता, आज वो नहीं हुआ. जैसे आज मुझे कपड़े भी धोने थे, वो भी नहीं हुआ. एनीवे मैं फटाफट से जाती हूँ, मम्मी पापा का बेडरूम भी बिखरा पड़ा है, वो भी समेट देती हूँ, और लिविंग रूम भी थोड़ा बेसिक बैठने लायक बना देती हूँ. चलो. मम्मी पापा का कमरा हो गया है, लिविंग रूम करने का एनर्जी नहीं है, बहुत थक गई हूँ. लकीली खाना बना हुआ है, वो खा के सो जाऊँगी. अभी थोड़ी देर, अभी सोना नहीं, ऑब्वियसली अभी 8 भी नहीं बजे. मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर एडिटिंग का थोड़ा सा काम बाकी है, वो करना है. अपलोड भी, एक और वीडियो अपलोड कर दूँ तो अच्छा है, लाइक अनलिस्ट करके, लाइक अभी पब्लिश नहीं कर रही, बट अपलोड करके रख लूँ. So that is the plan for now. I'll keep you posted. Hello. अभी रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे एंड आई एम टायर्ड एंड आई एम लाइक गेटिंग रियली बैड क्रैम्प्स. मैंने डिनर कर लिया है, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट, फोन वगैरह देखूँगी, कुछ मे बी अ फिल्म देख लूँ, लेट्स सी क्या होता है. एंड या उसके बाद आई विल स्लीप. And that's it for today's vlog. And मैं आपको मिलूँगी मेरे कल के vlog में. I hope कल वाला vlog बहुत interesting होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं. आज तो दर्द ने मार दिया. Anyway, I'll meet you in my next video.